कैसी पैन आउट हो सकती है उस पर फोकस है। और वित्त मंत्रालय की तरफ से आपने देखा एक वेलफेयर पैकेज आया, उसके बाद आरबीआई ने तगड़े डोल आउट, तमाम खबरें सामने आरबीआई की तरफ से। आप सब इंतजार कर रहे हैं वित्त मंत्रालय की तरफ से शायद एक स्टिमुलस पैकेज भी अप्रैल में आता हुआ हमें नजर आया। चलिए इन सब होप्स के बीच में सेठी साहब ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि ये समय बेहतरीन हो सकता है अप्रैल सीरीज का वैल्यू पिकिंग के लिए, तो सेठी साहब एक तो आइडिया वैल्यू पिकिंग वाले आप ही दे दीजिए। नहीं बिल्कुल आशीष, देखिए पूरे बाजार में एकदम कार्नेज है और जो अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स है उनमें इन लेवल्स पे भी या कोई भी गिरावट आती है, बिकॉज आई पर्सनली फील कि हम पूरी तरह से अभी इससे निकले नहीं है, तो बाजार में कोई दिन पैनिक हो सकता है, तो उस दिन क्या इंतजार करके अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जो एक स्टॉक अभी रिकमेंड करना चाहूंगा वो एक फार्मा कंपनी को मैंने पिक किया है, डिविस लेबोरेटरीज, एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और अगर आप देखें तो इस कार्नेज के माहौल में भी इस स्टॉक ने बाजार को आउट परफॉर्म किया है, काफी रेजिलिएंट रहा स्टॉक। मुझे लगता है जैसे माहौल ठीक होगा इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी बननी चाहिए। मुझे लगता है इस महीने की सीरीज में, ये अप्रैल की सीरीज में भी एक अच्छे अपसाइड बिल्कुल इसमें एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और कंपनी को जो दुनिया भर में हो रहा है उसकी एक बेनिफिशियरी के तौर पर भी देखा जा सकता है, बिकॉज ये एपीआई बनाने वाली एक लीडिंग कंपनी है जो कि आज फार्मा कंपनीज की रिक्वायरमेंट है, जो कि शॉर्ट सप्लाई में है। और मुझे लगता है इस सीरीज में भी कुछ लेवल्स ऑफ 2050 ऑन दिस स्टॉक। ओके, तो डिवीज लेबोरेटरीज और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे स्टॉक्स हो सकते हैं जहां पे अप्रैल में स्टैगर्ड वे में आप बाइंग करने के मौके ढूंढ सकते हैं। और सचिन के पास जाते हैं। सचिन, सीरीज के लिहाज से कुछ स्टॉक आपने चुने हैं क्या, कहीं खरीदारी करने वाले हैं क्या? बिल आशीष जी, एक अच्छा मौका होगा। इनफैक्ट काफी यू नो वोलेटाइल रह सकती है सीरीज, बट आई थिंक यहाँ पर ओवरऑल नैरेटिव पर बाय ऑन डिक्लाइन का ही इनफैक्ट एक अच्छा मौका होगा, जहाँ पर आपके फंडामेंटली वीक स्टॉक जो रहे हैं पोर्टफोलियो में वो आपको निकालने के लिए मौका मिलेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर बिल्टअप हो रहा है मुझे लग रहा है आगे जाके यू नो लीडर्स ही हैं जहाँ पर बेट्स अभी भी लगाने चाहिए। तो अगर हम लीडरशिप की बात करें तो मुझे लग रहा है रिलायंस, आईसीआईसी बैंक एंड एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये सीरीज काफ़ी हेल्दी हो सकती है उनके लिए, जहाँ पर यू नो लगभग 15% की डाउनसाइड भी अवेलेबल है पर ऊपर में पोटेंशियल भी अराउंड 20-25% से ज़्यादा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़े ट्रेड सेटअप बेटर है, बट डेफिनेटली जैसे वैल्यू जोन है 8200 का, तो यहाँ पर लीडर्स पे ही दाव लगाना चाहिए। एंड एक अच्छा मौका होगा अगले कुछ दिनों में जहाँ पर आपके पास अगर कोई फंडामेंटली वीक स्टॉक्स अभी भी पड़े हुए हैं उनको आप निकाल दीजिए अपने पोर्टफोलियो से और बैठ लीजिए लार्ज कैप लाइन से। ठीक है, ओके, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिग्गज स्टॉक्स में दाव लगाने के मौके होंगे। तो हेलो अप्रैल, डेटा पॉइंट्स अच्छे हैं, हिस्टोरिकली अप्रैल सीरीज अच्छी रहती है, सरकार की इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आरबीआई वगैरह एक्शन में है, अर्थव्यवस्था की मदद करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सीरीज बेहतर पैन आउट हो सकती है एक पेनफुल मार्च सीरीज के मुकाबले और अच्छी क्वालिटी के दिग्गज स्टॉक्स में हल्के